तो दोस्तों आपका स्वागत है बैक टू WWE 2K17 यूनिवर्स मोड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ऐसे ही लाइक करते जाइए फटाफट। लेट्स ट्राई फॉर 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि स्मैकडाउन पे हुआ धमाका दोबारा, गोल्डबर्ग वर्सेस एजे स्टाइल्स राइवलरी बढ़ते ही जा रही है। आज हम बढ़ेंगे रॉ की तरफ। रॉ इज वॉर भाई, इससे कोई लेना देना नहीं क्या चल रहा है इन रियल लाइफ। रॉ में कौन है, स्मैकडाउन में कौन है, इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं है उसके। तो प्लीज वोट करना ना भूलिए अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के लिए। एंड अब चलते हैं। तो टुनाइट ऑन रॉ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद अ प्रोमो। यहाँ पे समोआ जो काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है रैंकिंग में। समोआ जो वर्सेस ट्रिपल एच टू स्टार्ट विद, क्या बात है, लगता है अथॉरिटी में पंगा। ट्रिपल थ्रेट मैच यहाँ पे साशा शार्लेट एमा, देन जेवियर वुड्स वर्सेस फर्नांडो, दोनों की टैग टीम्स में पंगा। आप लोगों ने वोटिंग कमाल की। जेवियर वुड्स को मिले 95% वोट्स, क्या बात है। फिर आगे बढ़ेंगे, फेटल फोर वे मैच, रूसेव, कर्टिस एक्सल, सैमी ज़ेन एंड मार्क हेनरी, चार खतरनाक अपोनेंट्स। एंड सैमी ज़ेन को मिले हैं 88% वोट्स, कमाल कर दिया, पूरे के पूरे वोट्स एक ही बंदा ले जा रहा है यहां पे। नेक्स्ट है बिग शो वर्सेस सेथ रॉलिंस, दोनों के बीच में राइवलरी बढ़ते ही जा रही है। लेकिन जो हम खेलने वाले हैं हमारा आखिरी मैच, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज इन अ फॉल्स काउंट एनीवेयर, एंड इसमें जो वोटिंग हुई है 81% वोट्स मिले हैं रोमन रेंज को, बिग डॉग 81% वोट्स के साथ हम लोग उससे खेलेंगे। लेट्स गो। समोआ जो रॉ पे आते ही बड़े बड़े चैलेंजेस उठा रहा है, जल्द से जल्द सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। आई केम टू फाइट, लड़ने आया अपना समोआ सबमिशन मशीन, किसी भी चैलेंज से बैक आउट नहीं करेगा। इसका अगला मैच ट्रिपल एच के साथ होने वाला है, काफी बड़ा मैच होगा इसके लिए। आई विल डिस्ट्रॉय WWE भाई, दृढ़ निश्चय देखिए इसका, हर एक को हराने की कोशिश करेगा, कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। फेस बनना चाहते हैं WWE का फेस फटाफट। द WWE यूनिवर्स डिजर्व्स मोर देन द सेम, एक से बढ़कर एक मैचेस देने की जरूरत है। एंड द सेम ओल्ड गार्बेज ऑन देयर स्क्रीन्स, व्हेन आई से गार्बेज सम ऑफ द गाइस इन द बैक मे इवन टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इतने आगे पहुंच गया तू इतने जल्दी, डोंट गेट इन माई वे वरना समोआ जो तुम्हारी तोड़ डालेगा एंड तुम सब लोग जाओगे खो। यू हर्ड मी, स्टॉम्प्ड आउट। तो आगे बढ़ते हुए ट्रिपल एच डिफीटेड समोआ जो, मतलब इतना सारा स्पीच देने का कोई फायदा नहीं हुआ, ट्रिपल एच ने उसको वहीं पे मसल के रख दिया। ट्रिपल थ्रेट मैच, शार्लेट भाई अपनी वुमेन चैंपियन सब पे डोमिनेट करते हुए। एंड अब जाएंगे हम जेवियर वुड्स वर्सेस फर्नांडो की तरफ। तो सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ रहा है जेवियर वुड्स, अकेला ही अपना भोपू लेके आया यहाँ पे, न्यू डे का मेंबर, टैग टीम चैंपियंस यहाँ रॉ पे। एंड लॉस मैटाडोर्स इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, क्या है वो उनको हरा पाएंगे। आज वन ऑन वन मैच है, कोई सपोर्ट में आएगा इनके। एंड फर्नांडो मेकिंग हिज वे टूवर्ड द रिंग, लॉस मैटाडोर्स का वन हाफ द चैलेंजर। टैग टीम चैंपियनशिप जीतना है तो बहुत मेहनत चाहिए होगी इनके लिए, इनको मैच तो मिल चुका है मेरे ख्याल से पेपर व्यू पे, पक्की बात है। जेवियर वुड्स रेडी, दूसरी तरफ अपना फर्नांडो रेडी, एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच ऑन रॉ। भागते हुए गया एंड जेवियर वुड्स ने वहीं पे उसको लेटा दिया। ऑन टू द सेकेंड रोप जेवियर वुड्स, बूम विद एन एल्बो, क्या बात है, सीधा उसके सर पे पड़ा है, काफी लंबी डाइव थी। एंड फर्नांडो शुरुआत से ही बीटिंग लेता हुआ, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाएगा शुरुआत से कि हिलने का मौका ना मिले उसको। बहुत ही खूबसूरत नेक ब्रेकर, भागते हुए विद एन एल्बो ड्रॉप सीधा उसके मुंह पे पड़ा भाई। एपिको एंड प्रीमो बन चुके हैं इन रियल लाइफ वो लोग, लेकिन यहाँ पे फर्नांडो एंड डिएगो क्या न्यू डे को किसी तरह हरा पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सुप्लेक्स यहाँ पे, स्टैंडिंग सुप्लेक्स, फर्नांडो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए। एंड टॉन्ट्स मारा जेवियर वुड को, उठता हुआ जेवियर वुड, स्प्रिंग बोर्ड मूव, बूम, पूरा ड्रॉप किक में पीछे से लात पड़ी। वी आर बैक ऑन ट्रैक, जेवियर वुड्स फिर दोबारा कंट्रोल लेता हुआ इस मैच का फटाफट, गोइंग फॉर अनदर नेक ब्रेकर बहुत ही खूबसूरती से। ले फिर इस बार गर्दन पकड़ ली उसकी, दो पैरों के बीच में ले, धनाधन धनाधन
मुक्कों पे मुक्के, एल्बोस पे एल्बो शॉट्स। रिंग के बीच में जेवियर वुड्स उठाता हुआ, घुमा के भाई साहब गर्दन तोड़ दिए हमने इसकी, मसल के रख दिया फर्नांडो को यहाँ पे। अगर उसका उसका टैग टीम पार्टनर बीच में आया तो जरूर न्यू डे वाले भी बीच में आएंगे, नो प्रॉब्लम भाई। एक से बढ़कर एक नेक ब्रेकर्स हैं यहाँ पे जेवियर वुड्स के आसन में। सिग्नेचर मूव रेडी हो चुका है हमारा, ड्रॉप किक मारने की कोशिश, फर्नांडो विद द रिवर्सल पंच एंड ये गया। आयरिश व्हिप विद एन एल्बो, न्यू डे की चांस चारों तरफ से, लेकिन फर्नांडो टॉप रोप की तरफ बढ़ता हुआ, इज ही अबाउट टू फिनिश दिस। फिर दोबारा जेवियर को हर समय टॉन्ट मारे जा रहा है ये, एपिक मूव, बूम फ्रॉम द टॉप रोप, दी ड्रॉप किक उड़ाते हुए ले गया भाई हमें, उड़ाते हुए। फर्नांडो ने काफी मोमेंटम गेन कर लिया यहाँ पे, जेवियर वुड्स चालाकी से रिवर्सल करता हुआ, पेट में लात, बूम। जेवियर वुड्स कंट्रोल ले चुका है वापस, कॉर्नर सिग्नेचर मूव लगा दिया उसने, हियर कम्स द ऑनर रोल, घूमते हुए बूम, बंदा वहीं पे चित। फिनिशिंग मूव आ चुका है हमारे पास, फर्नांडो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में, घसीटेंगे उसको, रोप्स में लटकाया, ओएमजी मोमेंट रेडी है। नहीं आज नहीं, जेवियर को बाहर पटक दिया फर्नांडो ने, क्या बात है। सिग्नेचर मूव खाने के बाद फाइट बैक करने की कोशिश, बूम पीछे से लात, ड्रॉप किक पड़ा। जेवियर वुड्स बहुत ही खतरनाक ऑन दी आउटसाइड, एनवायरनमेंट का यूज करते हुए, जेवियर वुड्स आयरिश व्हिप इनटू द बैरिकेड, क्या बात है, पेट पड़ा उसका सीधा वहां पे, एंड स्कूप स्लैम। फिनिशिंग मूव रेडी है हमारे पास, लॉस्ट इन द वुड्स, लॉस्ट इन द वुड्स, बूम, व्हाट अ फिनिशिंग मूव। फर्नांडो रिंग के बाहर ही बेहोश, सीधा मुंह पे बूट, बैंग, क्या फोर्स से पड़ा है मुंह पे बूट। जेवियर वुड्स तहलका मचाते हुआ गोज टू द टॉप रोप, लॉस्ट मैटर डे, उसको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। कूद गया, कूद गया, व्हाट अ डाइव, बिल्कुल निडर जेवियर वुड्स, आसमान से ऐसी कूद मारी है, रोकने का नाम ही नहीं है भाई। फिर दोबारा टॉप रोप पे आजा, एल्बो ड्रॉप, सिग्नेचर मूव दोबारा से, न्यू डे रॉक्स की चैंट चारों तरफ से, कॉर्नर सिग्नेचर, द ऑनर रोल फॉर द सेकंड टाइम। फर्नांडो कुछ नहीं कर पाया हमारे अगेंस्ट, ये आया, व्हाट फर्नांडो विद अ बिग रिवर्सल, सिग्नेचर मूव उसके पास लगा दिया, व्हाट अ बैक ड्रॉप, एक के बाद एक ट्रिपल वाला, बूम, बंदे ने छोड़ा ही नहीं, जर्मन सुप्लेक्स में एंड किया है। हो, फर्नांडो मेक्स अ बिग कमबैक, फिनिशिंग मूव रेडी है उसके पास, जेवियर को बचना बहुत ही जरूरी, व्हाट अ कोर्ट ब्रेकर, जेवियर वुड्स का सर गया वहीं पे बेहोश, वन टू बचा, जेवियर वुड्स थोड़ी सी ताकत लगाते हुए किक्स आउट। क्या मैच का रुख बदला है फर्नांडो ने यहाँ पे, जो लग रहा था इजीली जेवियर वुड्स कंट्रोल में था, लेकिन एक रिवर्सल एंड सब उल्टा हो गया, बूम क्रॉस बॉडी सिग्नेचर मूव, क्या इस बार मार पाएगा, लेट्स गो ऑनर रोल, फिर दोबारा से ट्राई करते रहना पड़ेगा, ये घूमा, बूम, इस बार लग चुका है, बंदा गया काम से। फर्नांडो को फिनिश करने का यही मौका, हियर कम्स द शाइनिंग विजार्ड, मुंह पे लात, सर उड़ा डाला उसका ऑलमोस्ट गर्दन से अलग करते हुए, बूम, व्हाट अ शॉट। ऐसे ही नहीं बने न्यू डे चैंपियंस, पिन करने की कोशिश लेकिन दूसरी तरफ पटक दिए गए, दिस इज बैड डीडीटी ऑन जेवियर वुड्स। फर्नांडो गोज टू द आउटसाइड, लुचाडोर उछलता हुआ विद एन एल्बो, स्प्रिंग बोर्ड मूव्स, एंड जेवियर वुड की हालत खराब होते जा रही है, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा उसको कमाल का यहाँ पे। जेवियर वुड्स गेट्स बैक ऑन हिज फीट, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, रिंग के बीच में खींचा डबल हैंडेड सुप्लेक्स के लिए, टू लेट, व्हाट अ ड्रॉप, जेवियर वुड्स बिल्कुल प्रॉब्लम में आ चुका है यहाँ पे। एक और यहाँ पे सर पकड़ लिया, व्हाट एन हरिकन राना, घुमा के भाई, जेवियर वुड्स को फटाफट बाहर भागना पड़ा, एनवायरनमेंट का यूज करेंगे, बूम इनटू द एप्रन, ले भाई एक्स्ट्रा डैमेज जेवियर वुड्स का।
थोड़े से डर्टी मूव्स यहाँ पे इनटू द रिंग पोस्ट, यही सब इस्तेमाल करके उसने ज़्यादा डैमेज किया यहाँ पे। वापस रिंग में ले जाते हुए इस मैच को, लेट्स गो, आजा भाई, बड़ा आयरिश व्हिप लटका दिया वहीं पे, बूम, व्हाट अ बिग एल्बो, बंदा बेहोश हो चुका है, बेहोश, लेट्स गो, उठा 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 उठा, फर्नांडो फिर रिवर्सल एंड सिग्नेचर मूव आ चुका है, दोनों ने ऐसा मोमेंटम गेन किया यहाँ से वहाँ, बचे हम लोग सिग्नेचर मूव से, ये पड़ा उसके उल्टा, बूम विद अ क्लोज लाइन, ऑन अ रोल नंबर 3, जेवियर वुड्स की हालत खराब, न्यू डे चैंट्स चारों तरफ से, लेट्स फिनिश दिस, घूम घूम एंड बूम, शिट, गया फिर दोबारा, ओ तेरी, ट्रिपल यहाँ पे बैकड्रॉप जेवियर वुड्स पे, बूम, एक पिन मिस नहीं हुआ हमारा एंड हालत खराब, फर्नांडो ने हमारी हालत बिल्कुल खराब कर दी, वन बचे, भाई साहब फर्नांडो हमें टफ फाइट देता हुआ, जो मुझे लगा आसानी से ख़त्म हो जाएगा, फिनिशिंग मूव इनकमिंग, कहीं से भी आ सकता है, भागते हुए आया, मिस कर दिया उसने, अब जाके लगाए कोड ब्रेकर दोबारा से, भाई साहब मैटाडोर स्टाइल, बुल टेक डाउन किए इसने, ऑस्टिन क्रीड, जेवियर वुड्स बुल जैसा ही हुआ इसके लिए बिल्कुल, गोइंग फॉर द पिन, शायद ये एंड होगा, 1 2, क्या सेव था, व्हाट अ सेव, बहुत ही लकी जेवियर वहां पे, बहुत ही ज्यादा, फटाफट टूवर्ड्स द टॉप रोप, हायर रिस्क मूव उसको लेना ही पड़ा यहाँ पे, जेवियर वुड्स इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, पूरा मून सॉल्ट मिस हुआ, पूरा मून सॉल्ट मिस, कॉर्नर सिग्नेचर, चौथी बार पांचवी बार इतने बार रिवर्सल हुआ है, क्या बताऊं मैं, फर्नांडो प्रॉब्लम में, ऑन अ रोल कनेक्ट, इस बार कनेक्ट होता हुआ, गोइंग फॉर द पिन, जेवियर फटाफट, 1 2 3, एट लास्ट अ बिग विन फॉर जेवियर इन द एंड, फर्नांडो हार चुका है एंड बिल्कुल निराश हो चुका है, ये क्या लगता है एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दोनों ने इतना एफर्ट दिखाया यहाँ पे, लेकिन फर्नांडो मुकरता हुआ, अप्रिशिएशन किसी काम का नहीं, देख लूँगा। तो अगली बार ऑन स्मैकडाउन 2-on-2 मैच, उसोस वर्सेस अमेरिकन अल्फा, प्लीज आई बटन पे वोट करना ना भूलिए, हमें किसको लेना चाहिए नेक्स्ट टाइम, रॉ पे एक और बड़ा मैचअप, फेटल फोर वे मैच। तो सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ रहा है अपना US चैंपियन यहाँ पे, रूसेव फ्रॉम बुल्गेरिया का बंदा US चैंपियन, क्या बात है, टेक ओवर कर लिया उसने यूनाइटेड स्टेट्स में, बिल्कुल खतरनाक आदमी है। सेकंड प्लेयर हमारा यहाँ पे द अंडरडॉग सैमी ज़ेन, सबका फेवरेट विथ 88% वोट्स, क्या बात है लोगों, सैमी ज़ेन यहाँ पे विक्ट्री लेने के लिए फटाफट एंड बेटर देन परफेक्ट, सोशल आउटकास्ट का मेंबर यहाँ पे कर्टिस एक्सेल गोइंग टूवर्ड्स द रिंग, भाई क्या पता वाइल्ड कार्ड निकले, फेटल फोर में कौन जीत जाए पता ही नहीं चलता, एंड द लास्ट पर्सन टू एंटर द रिंग वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी, सबसे डेंजरस बंदा यहाँ पे, अपने वेट के साथ किसी को भी फ्लैट कर सकता है, चारों के चारों अपने कॉर्नर्स में रेडी, कौन किसको पिन करेगा, जिसने पहले पिन किया वो जीत जाएगा इस मैच को। ये स्टार्ट हुआ, नो डिस्क्वालिफिकेशन, फेटल फोर वे मैच है, कर्टिस एक्सेल पे अटैक करने की कोशिश, लेकिन सैमी ज़ेन वहीं पे डाउन, रूसेव हम पे अटैक करता हुआ, टारगेट बदल चुका है, रूसेव पे रिवर्सल, सैमी ज़ेन घूम के, व्हाट अ पावर बॉम्ब, बहुत ही ज़्यादा तेज है सैमी ज़ेन, बड़ा ही क्विक ऑन द मूव, लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कर्टिस एक्सेल की गर्दन दबोचता हुआ, रशियन लेग स्वीप ऑन रूसेव, कमाल का मूव, भागते हुए विद एन एल्बो, भाई साहब मार्क हेनरी को निपटाना बहुत ही मुश्किल होगा, तीन लोग मिलके भी मारेंगे ना तब भी बहुत है, ले भाई स्कूप स्लैम, रूसेव हमारे हार्ट पिटता हुआ, सैमी ज़ेन की नज़र शायद उस US चैंपियनशिप पे पड़ी हुई है, ले भाई लात पे लात, बूम, एंड कर्टिस एक्सेल ने पकड़ लिया रूसेव को,
ड्रॉप किक मारने की कोशिश, सैमी ज़ेन को दूसरी तरफ पटका एंड रूसेफ सबको रिवर्सल करता हुआ भाई, सबको पीट दिया उसने। जर्मन सुप्लेक्स रूसेफ पे, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हमारी तरफ टारगेट लेता हुआ एंड हम उसके क्या धक्का दिया मार्क ने भाई साहब, मौका भी नहीं दिया सैमी को, तो ऐसे धकेल दिया बिल्कुल कुछ भी ना आया इसके सामने। सैमी ज़ेन ट्राइंग टू फाइट बैक, ये अंडरडॉग कमाल कर सकता है, बड़े से बड़े प्लेयर्स को हराया उसने। सैमी ज़ेन फटाफट मोमेंटम गेन करने की कोशिश में, मार्क हेनरी पे नेक ब्रेकर लग गया भाई, टॉप रोप मूव्स मारने पड़ेंगे, उठा तो सकते नहीं हम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को। सैमी ज़ेन ऑन द टॉप रोप, टॉन्ट करता हुआ मार्क को, उठ उठ, कुछ ज़्यादा ही हाई फ्लाइंग मूड में, बैंग, क्या ड्रॉप किक था। मार्क हेनरी दूसरी तरफ, वेपन्स का यूज़ करना पड़ेगा लगता है हमें यहाँ पे टू फिनिश ऑफ मार्क हेनरी। बूम, सीधा मार्क हेनरी के सर पे पड़ा बेसबॉल बैट, कहीं बेसबॉल बैट ही ना टूट जाए हमारा। बैंग, नो इफेक्ट ऑलमोस्ट, मार्क हेनरी वापस छीनता हुआ, किक पड़ा उसके मुंह पे, ओ तेरी शिट, रूसे वहाँ सबको पीट रहा है। नेक ब्रेकर, सैमी ज़ेन के पास सिग्नेचर मूव है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, मार्क हेनरी को यहीं पे फोड़ सकते हैं हम लोग। इनटू द कॉर्नर, बिल्कुल कोने में पटका हमने, लेट्स गो सिग्नेचर मूव लगा दिया भाई एंड एक्सप्लोडर सुप्लेक्स इनटू द टर्न बकल। सैमी ज़ेन यहाँ पे फोर्स पकड़ता हुआ मार्क हेनरी को उठा के पटका है, मार्क हेनरी को फिनिशिंग मूव, हल्लुआ किक, मार्क हेनरी बेहोश, पीछे देख पीछे देख, कर्टिस एक्सल ने हमें पकड़ लिया, ये बंदा फायदा उठा सकता है अब इस मैच का। मार्क हेनरी बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, बूम, रूसेफ क्रॉल करता हुआ वापस अपने उठने की कोशिश में, उसने मार्क हेनरी पे पिन डाला फटाफट, वन, बच गए भाई ब्रेक यहाँ पे। सैमी ज़ेन बाहर रोल होने की कोशिश कर रहा था, ओ शिट, व्हाट अ बैकड्रॉप, रूसेफ ने इतने ऊपर से नीचे फेंका हमें, बेसबॉल बैट के लिए कोई ना जाए, बस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। वहाँ पे वो सबमिशन मूव्स करने की कोशिश में, रूसेव हमारे ऊपर नज़र गाड़ के बैठा है, सबके सब रिंग के बाहर आ चुके हैं। सैमी ज़ेन रिवर्सल करते हुए दो तीन पंचेज रूसेव पे, लेकिन कर्टिस एक्सल दोनों मिलके मुझे मार रहे हैं, हालत ख़राब कर दी बाहर ही। मार्क हेनरी उठने की कोशिश कर रहा है, कर्टिस एक्सल रूसेव को स्टील स्टेप्स में फेंकता हुआ। ये मैच इंटरेस्टिंग होता ही जा रहा है, और भी खतरनाक जैसे जैसे हम इसके अंदर जाते जा रहे हैं। स्टील चेयर निकाल ली सैमी ज़ेन ने, क्या फिनिश कर पाएंगे हम लोग, बूम, रूसेफ पे पड़ा, कर्टिस एक्सल फिनिशिंग मूव मारने की कोशिश में था, मार्क हेनरी ने चेयर छीन ली हमारे हाथ से, अरे भाई बचाओ, बच गए बच गए। ओ हेडबट, सर घुमा दिया, सिग्नेचर मूव वहाँ पे, दी हेडबट, ओ तेरी, सैमी की वाट लगी, सैमी को बाहर भागना पड़ा, रूसेव वहाँ पे मारता हुआ, दो बड़े लोगों में फाइट होने दो, कर्टिस एक्सल को लात दी मैंने तो। सैमी ज़ेन के पास फिनिशिंग मूव है, क्या हम फायदा उठा सकते हैं इसी चीज़ का, मो मार्क हेनरी के मूव पे पड़ा ये वाला तो, कर्टिस एक्सल अंदर एंड पावर बॉम्ब, बहुत सही, रूसेव हमारी तरफ आ रहा है, इस बंदे को कोने में पटका है, फिनिशिंग मूव, हल्लुआ किक, पूरा किक उसने मिस किया, पकड़ लिया रूसेव ने मिड एयर में, उसके पास फिनिशिंग मूव, एक्यूलेट, गए काम से, बैठ गया वो, रोप ब्रेक ने बचा लिया। मार्क हेनरी गुस्से में आ चुका है, किसको पीटे वो, कम बैक लगाते हुए सैमी ज़ेन, क्या कुछ कर पाएंगे हम, ओ भाई कम बैक मूव, किक मारी सबने सीधा, आयरिश व्हिप, बैंग ड्रॉप किक, बूम एक और ड्रॉप किक एंड नेक ब्रेकर, सैमी ज़ेन ने गजब कर दिया भाई रिंग के बीच में, सिग्नेचर मूव द ब्लू थंडर, बैंग, गया मार्क तो गया भाई, रूसेव की बारी, रूसेव हमारा मूव रिवर्सल कर रहा है बार बार, शिट, कर्टिस एक्सल उठने की कोशिश कर रहा है नीचे, कर्टिस एक्सल उठने की कोशिश कर रहा है, उसके पास फिनिशिंग मूव तो नहीं, उसके पास सिग्नेचर मूव है, फिनिशिंग भी है उसके पास, मारने दो उसको,
रूसेव को मारा उसने। थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा हमें इसके लिए। लगा दिया भाई उसने, कुछ तो लगाया है। अबे उसने अपना फिनिशिंग मूव दे दिया। कहाँ चढ़ गया मैं, चढ़ 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 चढ़, मार जल्दी। ओह उन्हीं के ऊपर जंप, मस्त था ये तो। कर्टिस एक्सेल बाहर निकल यहाँ से, बूम। रूसेव अंदर है मेरे साथ अकेला। इन टू द कॉर्नर, फिनिशिंग मूव, लग गया किक, सर फाड़ दिया हमने रूसेव का। व्हाट अ हेल ऑफ अ किक, सर उड़ा दिया रूसेव का। इन टू द पिन, फटाफट फटाफट, 1 2 3, व्हाट अ वेन। सैमी ज़ेन ने यहाँ पे बहुत ही सही स्ट्रैटेजी लगाई, मौके का फायदा उठाया, रूसेव का सर फाड़ा एंड पिन, अपना अंडरडॉग जीतता हुआ फेटल फोर वे मैच, गजब। तो दूसरा मैच जो स्मैकडाउन में होगा, डीन एम्ब्रोज एंड बैरन कॉर्बिन, राइवल्स एक ही टीम के अंदर, वर्सेस ब्रिजांगो। आई बटन पे वोट करिए फटाफट, हमें कौन सा टैग टीम लेना चाहिए। बढ़ते हैं रॉ पे आगे, 1-on-1 मैच, बिग शो वर्सेस सेथ रॉलिंस। काफी फाइट चल रही है दोनों के बीच, इसको सिम करेंगे। सेथ रॉलिंस डिफीटेड बिग शो, क्या बात है, क्राउड अपने तरफ खींच ली। लेकिन अब मेन इवेंट, सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ता हुआ द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। एंड क्योंकि ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन है, फॉल्स काउंट एनीवेयर, स्टील चेयर लेके आया रोमन वेंस पीछे से, ऊपर हाथ रखना चाहता है, मतलब कि एडवांटेज लेना चाहता है इस सिचुएशन का। ब्रॉक लेसनर गोइंग टुवर्ड्स द रिंग, उसको बिल्कुल भी खबर नहीं, पीछे से अटैक आया, बूम, घंटी बज चुकी है, चेयर शॉट फ्रॉम बिहाइंड, बैंग, ब्रॉक लेसनर पे एडवांटेज उठाने की कोशिश, सीधा सर पे शॉट पड़ा ये वाला, एंड बैंग। इस चेयर का यूज काफी अच्छे से किया है यहाँ पे, ले भाई दे धनादन, शिट, ब्रॉक तब भी उठ गया भाई, ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, लेकिन क्लोज लाइन उड़ते हुए रोमन रेंज एक ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने साथ लेके आया, जीतना ही जीतना है उसको, फटाफट रैंकिंग्स में ऊपर जाना है। एंड ब्रॉक को हराना मतलब बहुत ही बड़ी जीत, बहुत ही बड़ी, बीस्ट इनकार्नेट वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंज विद द चेयर शॉट अगेन। सिग्नेचर मूव आ चुका है हमारे पास, बाहर ही फाइट स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक रिंग के अंदर भी नहीं गए हम लोग। भागते हुए सुपरमैन पंच ऑन द आउटसाइड, व्हाट अ सिग्नेचर मूव, ब्रॉक बेहोश, स्लेज हैमर हमारे हाथ में, बूम। ब्रॉक रिवर्सल करने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन नाकामयाब, रोमन रेंज बिल्कुल खुंदस में, सबको पीट रहा है यहाँ पे, ऊह ऑलमोस्ट उसके बॉल्स पे उड़ाता हुआ, पीछे चला गया टारगेट, बैंग मिस, व्हाट अ क्लोज लाइन, मौका ही नहीं दिया रोमन ने, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया यहाँ पे। चल भाई रोमन अब बड़ा सा आयरिश व्हिप करता हुआ इन टू द बैरिकेड, तोड़ डाला हमने ब्रॉक को हाफ में, बूम सर पड़ा उसका, ये ले दोबारा बैरिकेड की तरफ पटकते हुए, ये पड़ी लात, क्या ब्रॉक सरवाइव कर पाएगा इस अटैक को, बहुत ही बुरी हालत में हो गया बेचारा। ले भाई बिल्कुल बैरिकेड के अंदर, फिनिशिंग मूव रेडी है, रोमन का स्टैमिना जा चुका है, इतने बार मारा है हमने उसको, OMG मोमेंट रेडी यहाँ पे, द बैरिकेड ब्रेकर थ्रू द बैरिकेड, रोमन गया उसको लेते हुए, व्हाट अ मूव, बिग स्पीयर यहाँ पे, बैरिकेड भी कुछ नहीं कर पाया उनके सामने, दोनों के दोनों आर पार इन टू द क्राउड। रोमन रेंज के पास एक और सिग्नेचर मूव पड़ा है, ब्रॉक लेसनर की हालत खराब होते ही जा रही है, रेंग रहा है यहाँ से वहाँ, चल उठ बीस्ट, कहते अपने आप को बीस्ट, दिस इज माई यार्ड, ओ तेरी, ब्रॉक ने हमें उठा के पटक दिया है, गुस्सा आ चुका है ब्रॉक को, लात ही लात दे रहा है, रिंग के बाहर ही पटकियां स्टार्ट, बैकड्रॉप पे बैकड्रॉप, सुप्लेक्स सिटी ना पहुंचा दे ये बिग डॉग को, ही फाइट्स बैक, बैंग इनटू द बैरिकेड अगेन, इस बार भाई ब्रॉक का रिवर्सल आया, एंड द जर्मन सुप्लेक्स ऑन द आउटसाइड, बहुत ही तगड़ा मूव, बहुत ज़्यादा डैमेज ब्रॉक की तरफ से। एंड अब अपनी पावर का प्रदर्शन यहाँ पे, उठा लिया जमीन से रोमन को, एंड बूम घुमा के पटका है रोमन, इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल, पेट पे लाद दी एंड पिछवाड़े पे लाद दी इस बार,
ब्रॉक थोड़ा सा कंट्रोल में ले गया इस मैच को, गर्दन मरोड़ दी उसने रोमन की। क्या रोमन इससे बाहर निकल पाएगा? ब्रॉक के पास सिग्नेचर मूव आ चुका है, दोनों ही यहां पे मोमेंटम काफ़ी गेन कर चुके हैं। एक बार उसने मारा तो अब बारी है ब्रॉक की मारने की। सिग्नेचर मूव तो नहीं दे रहा, नहीं, व्हाट अ रिवर्सल, नेक ब्रेकर वेटिंग फॉर ब्रॉक। ब्रॉक फॉलो करते हुए हमें, अबे कूदना था वहां से। यहां पे काफ़ी सारे वेपन्स पड़े हैं, कुछ भी यूज हो सकता है। ब्रॉक के ऊपर अटैक, बूम शिट, ओ भाई ब्रॉक ने फिनिशिंग मूव लगा दिया वहीं पे। F5 ऑन द पेवमेंट, तोड़ डाला उसने रोमन को वहीं पे। क्या हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। काउंट स्टार्ट होने के लिए रेफरी की जरूरत, रेफरी बहुत ही लेट आया यहाँ पे, रेफरी को होश ही नहीं है कहाँ पे होना चाहिए। एंड बच गया रोमन, एक तरह से बच गया भाई, यहाँ पे खत्म था नहीं तो। ब्रॉक की हालत खराब है लेकिन कंट्रोल में है बंदा। रोमन सिग्नेचर रिवर्सल किया उसने, ले भाई एक और बड़े क्लोज लाइन के साथ बंदे को नीचे पटका। चेयर उठा लिया इस बार तो, वापस चेयर पे पहुंच गया हूं मैं, चेयर से शुरुआत की थी वापस चेयर पे। सिग्नेचर मूव रेडी है हमारे पास, क्या दे सकते हैं, सुपरमैन पंच क्राउड के बीच में, वो भी बंदा बेहोश वहीं का वहीं। ब्रॉक को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सही से पीटा जाएगा। टेबल फिनिशर लगा दिया है, हो द पावर बॉम्ब थ्रू द टेबल, बूम, टेबल चकना चूर। ब्रॉक का वेट करते हुए रिंग के अंदर, रोमन ने इंस्टॉन्ट करता हुआ, ब्रॉक फटाफट भागते हुए ऐसी मौके का एडवांटेज उठाने के लिए इन द रिंग। ओ पहली बार अब जाके रिंग में घुसे हैं ये लोग, फटाफट भागा रोमन। ब्रॉक अभी भी वेट कर रहा है ऊपर ही, अंदर आते ही पंच मारा उसने, कोई फायदा नहीं हुआ एस्केप मारने का। इन टू द कॉर्नर ये किया रोमन ने, रिवर्सल विद अ बिग डीडीटी, उछलता हुआ गया है ब्रॉक। एंड पावर देखिए, नहीं उल्टा मिड एयर रिवर्सल इनटू अ रशियन लेग स्वीप, फिर दोबारा कंट्रोल ले लिया ब्रॉक ने, पलटी मार रहा है ये गेम, घुमा दिया उसने, व्हाट अ पावर बॉम्ब। ब्रॉक ने हालत खराब कर दी रोमन की, ही गोज टू द आउटसाइड, वो अब वेपन लेने जा रहा है। रोमन को काफ़ी हल्के में ले रहा है वो, एंड वो भी अंदर घुस नहीं पा रहा, हम लोग बाहर गए वो रिंग के अंदर। ये पता नहीं बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है, अंदर ही नहीं घुस पाते अगर बंदा लेटा हो वहाँ पे। बैंग, क्लोज लाइन के साथ बैट भी छूटा उसके हाथ से, एंड वो भी रिंग से बाहर। रोमन कूद गया उसके ऊपर सेंटोन के साथ, क्या बात है। रोमन को उड़ता हुआ देख ज़्यादा लोग नहीं देख पाते, लेकिन आज ज़रूर देखेंगे। चल भाई आ जा, गुस्से में बेटा रोमन फिनिश करने वाला इस मैच को। ओ शिट, ब्रॉक का रिवर्सल, पटक दिया उसने, सिग्नेचर मूव है उसके पास, एंड उसने हाथ पकड़ लिया हमारा, आर्म लॉक में डाल दिया। शिट, सबमिशन मूव्स आर द वर्स्ट मैन, लेजेंडरी मोड में कुछ नहीं कर सकते तुम, वाट लगा देती है सबमिशंस। बचे, किसी तरह हाथ टूटने से बचा हमारा, रोमन ने मुक्का दिया ऊपर से, ले भाई ये पड़ा पंच, ब्रॉक ने रिवर्सल कर दिया, क्या शिट, बाहर ही लटका दिया यार, बाहर ही फेंक दिया। बार बार ये मैच बाहर जाता हुआ, लगता है रिंग में कुछ फिनिश नहीं होगा आज। बूम, उड़ते हुए सबसे पहला सिग्नेचर मूव यही खाया था तो यही खाएगा, सुपरमैन पंच मिस, सुपरमैन पंच मिस, रिवर्सल कर दिया उसने वहीं का वहीं। भागते हुए फिनिशर, स्पीयर ऑन द आउटसाइड, सुपरमैन पंच नहीं लगा तो स्पीयर तो लगेगा ही, क्या स्पीयर था, बैंग, बंदा वहीं पे फिनिश। पिन के लिए जाएंगे, डेस्परेशन पिन यहाँ पे, कम ऑन रेफ, 1 2 3, नहीं, ब्रॉक ने किक मार दिया किसी तरह। रेजिलेंसी यूज कर रहा है बंदा अपना, बहुत ही रेजिलिएंट, बहुत ही ऑसम फाइटर, दोनों के दोनों A1 फाइटर्स हैं। रोमन की हालत ख़राब हो रही है, उसके पास स्टैमिना ही नहीं बचा, तो ब्रॉक के पास हेल्थ ही नहीं बची है ऑलमोस्ट।
into the steel steps. Damage, triple, chopple होता ही जा रहा है यहाँ पे, रुकने का कोई नाम ही नहीं. ले भाई एक और टॉन्ट, रोमन रेडी है ऊपर, लॉक एंड लोडेड. अंदर आता है, सिग्नेचर मूव लगेगा इसके मुंह पे, वेट हो रहा है बस उसका, वेट हो रहा है यहाँ पे. आजा ब्रॉक अपनी मौत की तरफ, लेट्स फिनिश दिस विद अ बैंग. अरे अरे, चालू बाहर की तरफ जा रहा था, सुपरमैन पंच, पता ही नहीं चला उसको कहाँ से आया ये वाला चार्ज. फिनिशर स्पीयर नंबर टू, ब्रॉक प्रॉब्लम में बेटा, ब्रॉक प्रॉब्लम में. बूम, स्पीयर लग गया इस बार. रॉ पे धमाका हो चुका है दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच, ब्रॉक पे बहुत ही बड़ा स्पीयर एंड रोमन रेंज फुल डोमिनेट करते हुए अभी तो. इन टू द फेन, वन टू थ्री, बिग डॉग रोमन रेंज विंस दिस. बहुत ही बड़ी विक्ट्री ओवर द बीस्ट, ब्रॉक लेसनर को हराते हुए. श्योरली रैंकिंग्स में ऊपर बढ़ेगा ये बंदा. एंड स्मैकडाउन पे मेन इवेंट, स्टील केज मैच, जॉन सीना वर्सेस डैनियल ब्रायन. किसको ले, आई बटन पे क्लिक करिए फटाफट, लेट्स गो. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आया. फटाफट लाइक करना ना भूलिए, फॉर मोर सब्सक्राइब करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर WWE 2K17. मुझे कमेंट से बताना ना भूलिए आपका फेवरेट मोमेंट. तब तक के लिए बाय बाय.